हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज भी मैं आपके लिए पांच ऐसी मज़ेदार एप्लीकेशंस लेकर आ गया हूँ। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी कभी हमें एक वीडियो बनानी होती है जिसमें हमें एक स्पीच बोलनी होती है, और हमारे पास टेक्स्ट में वो स्पीच लिखी हुई है पूरी। हम चाहते हैं कि मैं देख के बोल दूँ उसे, तो और अच्छा रहेगा। मतलब कैमरे के सामने वो दिखती रहे और ऐसा लगे कि मैं बोल रहा हूँ उसको। ऐसा हो जाए कि कैमरे में दिखती रहे साथ साथ और पूरी वीडियो बन जाए, मैं पढ़ पढ़ के पूरा बोल दूँ, लेकिन लगना नहीं चाहिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। कर सकते हैं, यस 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 यस, कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन चाहिए जिसका नाम है सेल्वी। ये एक टेली प्रॉम्प्टर एप्लीकेशन है। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन किसी ने देखी नहीं थी। हमारे मतलब देखी थी कुछ लोगों ने। ठीक है, तो आप इसे कैसे यूज़ करेंगे? आप इसे डाउनलोड कर लिए गूगल प्ले स्टोर से सेल्वी। इसे आप ओपन करिएगा, उसके बाद यहाँ से आपका जो है अलाउ करना पड़ेगा तीनों चीज़ों के लिए, मीडिया के लिए, सबके लिए अलाउ कर दीजिए। उसके बाद आपके पास स्किप कर दीजिए इसका इंट्रो। ठीक है, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट न्यू टेक्स्ट के लिए। उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो भी आपका टेक्स्ट है उसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब आप नीचे टिक का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करिए। यहाँ से आप जो है आपका जो टेक्स्ट है वो आ गया होगा। ये 96 वर्ड्स का है। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से हमारा कैमरा भी ओपन हो गया और सामने ये टेक्स्ट लिख के आ रहा है। आप देखिए, सबसे पहले इसको मूव कैसे करेंगे। आपको बीच में एक ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा होगा, उससे आप इसको ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, जहाँ पे भी ले जाना है ऐसे करके मूव कर सकते हैं। और राइट साइड में नीचे की साइड जो ऑप्शन दिख रहा है उससे आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ओपेसिटी आप इसकी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको, ठीक है, अभी नहीं कर सकते आप, क्योंकि कलर आप नहीं चेंज कर सकते, वाइट रहेगा। टेक्स्ट का साइज़ आप, फॉन्ट साइज, फॉन्ट आप चेंज नहीं कर सकते, रोबोटो यूज़ करना पड़ेगा आपको। स्पीड आप रिड्यूस कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। वीडियो के साथ साथ आपको जैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है, उसके साथ आप कितनी स्पीड से जाए वो आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। ठीक है, आप कैमरे को मूव करेंगे तो भी वो खुद मूव हो जाएगा, सीधा करेंगे तो सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, बहुत ही आसानी से। और मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसे ट्राई करी, आपको गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी ऐसी सेम टू सेम। आप सर्च करिएगा टेली प्रॉम्प्टर फॉर कैमरा, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगता, मुझसे अच्छी, मुझे इससे अच्छी नहीं मिली कोई एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ से आप टिक कर दीजिए इसकी स्पीड को, और यहाँ पे अगर स्पीड जितनी भी करना चाहते हैं उसको अपने हिसाब से देख के टिक कर दीजिए। अब टेक्स्ट का साइज़ रिड्यूस करना है, जितना लेना चाहते हैं स्क्रीन पर वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, वीडियो किस में बननी चाहिए? 1080p में, 720p में, या VGA में? 1080p में बनाइए, सही रहेगी। उसके बाद अगर आप कैमरा रोटेट करना चाहते हैं, कैमरा के रोटेट करने के लिए भी ऑप्शन है आपके पास, लेकिन हम क्यों करेंगे, हम देख के वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी से बनाएंगे। ठीक है, क्लिक कर दीजिए इस पर और यहाँ से अलाउ कर दीजिए सबको। फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी वीडियो जो है स्टार्ट हो जाएगी चलना, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस टाइम आपकी वीडियो चल रही है। ठीक है, आप बोलते रहिए, लेस फोकस ऑन ऑनलाइन कल्चर, वेदर यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर फ्यूचर, ये फंस गया। जॉब एक्सपेक्ट बाई डिलीटिंग योर सोशल मीडिया, और यू आर जस्ट ट्राइंग टू रीच फॉर योर फोन अ लिटिल बिट लेस। तुमसे ना हो पाएगा। डिलीटिंग योर सोशल मीडिया अकाउंट में लीड टू द हेल्दियर लाइफ। हेल्दियर लाइफ, क्या बात है। इस तरह से आप इसको फिर सेव भी कर सकते हैं, आपकी खुद सेव हो जाएगी। ऊपर टिक पे क्लिक कर दीजिए जब वो पूरी बन जाए, आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी, और उसके बाद आपके मजे ही मजे। तो दूसरी जो एप्लीकेशन है वो भी काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी यूज़फुल है। आपने देखा होगा जब आपके पास बहुत सारे कॉइन्स होते हैं या कुछ और होता है, बहुत सारा होता है वो, आपको फॉर एग्जांपल कीबोर्ड का ये है। ठीक है, इसमें कितनी कीज़ हैं आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली स्कैन करके फ़ोटो खींच के बता दोगे कि इतनी सारी कीज़ हैं। आपके पास कॉइन रखे हैं बहुत सारे, आपने यूँ डाल दिए। ठीक है, आपको कॉइन काउंट करने हैं कि कितने हैं टोटल, या फिर कुछ बॉक्स हैं, कुछ भी हो, ये एप्लीकेशन ऐसे करती है। इस एप्लीकेशन का नाम है काउंट थिंग्स। आप इसे ओपन करिए, यहाँ से आप लॉगिन भी कर सकते हैं या फिर एज अ गेस्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप, उसके बाद आप कुछ सेलेक्ट कर लिए, हाँ पर्सनल यूज़ करना है या फिर रेयरली यूज़ करता हूँ मैं, ऐसे सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे आपको सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। अब जिस तरह की वो चीज़ है उस तरह का आप टेम्पलेट यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। कीबोर्ड है, अगर कीबोर्ड की कीज़ हैं या फिर रिमोट्स वगैरह हैं तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करिए। ठीक है, और यहाँ से टेक अ न्यू फोटो, या फिर अगर फोटो है आपके पास तो वहाँ से गैलरी में सेलेक्ट कर लिए, या फिर टेक अ फोटो पर क्लिक करिए, अलाउ करिए, और यहाँ से इस तरह से फ़ोटो लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं अपने कीबोर्ड का फोटो लेके दिखाता हूँ, और नीचे की साइड आपको ऑप्शन दिख रहा है काउंट का, एरिया आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सक्लूड रिड्यूस, जो भी आप इंक्लूड करना है तो आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं, एक्सक्लूड करना है तो मिटा दीजिए इसको, जो इंक्लूड करना है सिर्फ मुझे ये पार्ट इतना देखना है। हो सकता है आसपास भी पड़े हों कुछ, उनको नहीं गिनना हो, वो फोटो में आ गए। इतना हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, टूल्स में जाते हैं, यहाँ पे ओपन कस्टमाइज मेजर एडिट फोटो ऑब्जेक्ट साइज क्लियर टैग्स और न्यू, ये सब आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं काउंट पे क्लिक करता हूँ,
तो यहाँ से अभी ये वर्क कर रहा है, देखते हैं कितनी बताते हैं। फोटो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए वैसे, ठीक है। तो यहाँ से इसने सारी कीज़ को सेलेक्ट कर लिया है, सिर्फ स्पेस बार के अलावा, स्पेस बार के अलावा सारी कीज़ को इसने सेलेक्ट कर लिया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐप बहुत अच्छे से काउंट कर रही है, आप न्यू काउंट पे क्लिक करके इसको दोबारा से ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो तीसरी जो एप्लीकेशन है वो एक वॉलपेपर है, एक ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर, ऐसे लगेगा कि आपका फ़ोन ट्रांसपेरेंट है, इस तरह से शो करेगा। बस ये चीज़ इसमें आप कर सकते हैं। कैसे आप करेंगे, आप इसे ओपन करिए डायरेक्टली, आप जहाँ पे भी मूव करेंगे वो वीडियो की तरह एकदम मूव करेगा, नॉर्मल कैमरे की तरह। ये सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस में वर्क करेगा जिसमें आपका लाइव वॉलपेपर शो कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन हो उसी में ये वर्क करेगा, बाकी और किसी में नहीं करेगा। तो ट्राई करके देखिएगा, काफ़ी अच्छा है। अगली जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही मज़ेदार एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छी मुझे ये लगती है क्योंकि मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ, और इससे आप एक क्लिक में पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो फोटोज़, और उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है फोटो रूम। से आप ओपन करिए, यहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, और उसके बाद प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, यहाँ पे जो भी फोटो आपको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करिए, रिमूव कर देगा। ये देख सकते हैं आप लोग, बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो चुका है। अब आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, अगर आपको पोस्टर्स बनाने इसी फोटो के यूज़ करके तो आप सब कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए आपको तो यहाँ सेकंड वाला सेलेक्ट करिए और इसको सेव कर लिए अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी शर्ट के ऊपर ये फोटो रूम लिख के आ रहा है, इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा, यहाँ सेलेक्ट करके इसको ऊपर करिए बस, और उसके बाद आप इसको क्रॉप कर दीजिएगा, आपका एकदम सही रहेगा सेव करने के बाद। यहाँ से सेव करेंगे, सेव टू गैलरी पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रोफाइल पिक बनानी है जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये वाली प्रोफाइल पिक आप सेलेक्ट करिए यहाँ से, हर एक चीज़ एडिट कर सकते हैं। पीछे का कलर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, सब आप सारे लेयर्स आपको शो हो रही हैं यहाँ पे, फ्रेम का कलर, पर्सन का कलर, इमेज ऐड करना चाहते हैं, टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, बैकग्राउंड में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इरेज करना चाहते हैं, ब्लर करना है, फिल्टर चेंज करना है, इफेक्ट ऐड करना है, एडजस्ट करना है, जो वो सब आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करना है पूरा चेंज कर सकते हैं, पर्सन के अंदर क्या एडिटिंग कर सकते हैं पूरा वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। आउटलाइन ऐड करनी है तो आउटलाइन ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर ग्लो लेकर आना चाहते हैं, वो सब कुछ बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन से कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ हर एक चीज़ में। जैसे आप ऊपर सेव पे क्लिक करिए और सेव टू गैलरी पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको पता होगा बहुत सारे मोबाइल्स में ऑब्जेक्ट इरेजर का ऑप्शन आ गया है, वरना फिर आप डाउनलोड कर लिएगा ऑब्जेक्ट इरेजर, ठीक है, फोटोज़ में से, उससे आप जो फोटो रूम जो लिखा है इसको आप रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से आप जो है इस फोटो रूम ऐप को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। आप पोस्टर्स बनाना चाहें, थंबनेल बनाना चाहें, सब कुछ आप इसमें बना सकते हैं। इसमें आपको पहले से ही टेम्पलेट्स भी दे रखे हैं, थंबनेल का भी टेम्पलेट है। इसमें सेल करनी है कोई, उसके लिए बनाना है, शर्ट वगैरह है कोई, उसको क्रॉप करना है, उस सब आप इसमें कर सकते हैं इजीली। नहीं नहीं, जो लास्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है एस वी प्लेयर। ये एक वीडियो प्लेयर है जिससे आप कुछ वीडियोस को, जो वीडियो 60 FPS में भी नहीं होती, ठीक है, 60 FPS यानी 60 FPS, मतलब वो एक जो है 60 FPS लेके एक मूवमेंट हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको वीडियो दिखेगी इससे। जो वीडियोस आपकी 60 FPS में भी नहीं है उनको आप 60 FPS में देख सकते हो, अगर आपके फ़ोन में 60 FPS ज़रूर सपोर्ट करता होगा तो। एस वी प्लेयर डाउनलोड करने के लिए आप क्रोम पे जाइए, यहाँ से आप ऊपर की तरह सर्च करिए एस वी प्लेयर, ठीक है, APK मिरर पे चले जाइए, इसका आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करिएगा, यह 24 अगस्त का। हम नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ से हमें 30 जनवरी का इसका लेटेस्ट मिल जाएगा। यहाँ से डाउनलोड APK पे आप क्लिक करिए, तो यहाँ से नीचे की साइड ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ से इंस्टॉल करते हैं हम इसको। अगर आपके अननोन रिसोर्सेज ऑन नहीं हो तो इसको ऑन कर दीजिएगा, आपके पास खुद ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। डन पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले ये हमारा CPU स्कोर और GPU स्कोर टेस्ट करेगा कि ये वर्क करेगा या नहीं करता है, ठीक है। यहाँ से हमको टेस्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ से हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो अब हमारे ये चल चुका है। यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कुछ वीडियोस चला के देखी, कुछ वीडियोस में मुझे लगा कि हाँ 60 FPS में वो चल रही हैं क्योंकि उनका मूवमेंट पहले से बहुत अच्छा हो गया था, एकदम स्मूथ चल रही थी। लेकिन जैसे वाली वीडियो है, ये वीडियो मेरी अटक चलने लगी क्योंकि शायद ये सही से वर्क नहीं कर रही थी, हो सकता है। और लेकिन जो मूवीज़ वगैरह थी वो सब एकदम स्मूथ चलने लगी थी, 60 FPS में लग रहा था कि हाँ 60 FPS में वो चल रही हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी मुझे हल्की सी लो लगने लगी। तो ट्राई ज़रूर करिएगा इस एप्लीकेशन को एक बार, आपको अच्छी लगेगी।
तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बहुत सारी एप्लीकेशन मैंने लिख रखी है, मैं बहुत सारी एप्लीकेशन पे वीडियोज बनाने वाला हूँ और बहुत सारी वेबसाइट्स मैं आपको बताऊंगा, काफी मजेदार वेबसाइट्स हैं, आप उनको देखोगे तो मजा आएगा, आप उनको जरूर ट्राई करके देखना। आज जो एप्लीकेशन बताइए उनमें से एक भी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, कोई कुछ बोलता ही नहीं। बोलेंगे 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 बोलेंगे, आएगा आएगा।